डीएनसी डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग में जो भी एक्स्ट्रा टिश्यूज होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। इसमें सबसे पहले पेशेंट से हम लोगों ने प्रोसीजर एक्सप्लेन करके उससे कॉन्सेंट लेना है, और उसके बाद हमने सबसे पहले हम लोगों ने पेशेंट की लिथोटमी पोजीशन बनानी है और उसके ब्लैडर को एम्प्टी करना है। उसके बाद ये सिम्स स्पेकुलम से हम लोगों ने उसकी पोस्टीरियर सर्वाइकल वॉल या वेजाइनल वॉल को हमने रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये सिंगल ब्लेड भी हो सकता है और डबल ब्लेड भी हो सकता है, लाइक दिस, ये डबल ब्लेड सिम्स स्पेकुलम। उसके बाद हम लोग इसकी वॉल को रिट्रैक्ट करने के बाद हम वॉल्सेलम से उसकी इंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करेंगे, ठीक है। वॉल्सेलम फोर्सेप्स के अंदर इस तरह से ये हमारे पास एक लॉक होता है, लॉक से हम इसको ओपन करेंगे, इंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को इससे होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद हम यूट्राइन साउंड उसके यूट्रस के अंदर एंटर करेंगे। यूट्राइन साउंड के ऊपर ये इस तरह से मार्किंग्स होती हैं, इन मार्किंग से हम लोग बेसिकली यूट्रस के साइज़ को देखते हैं कि यूट्रस का साइज़ कितना है। यूट्रस साइज़ देखने के बाद हैगर्स डायलेटर, ये डिफरेंट साइज़ के डायलेटर्स होते हैं, इससे हम लोग सर्विक्स को डायलेट करते हैं। और सर्विक्स डायलेट करने के बाद अगर तो हम लेप्रोस्कोपी यानी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं तो ये एलिवेटर यूज़ करते हैं, और अगर हम लोग डीएनसी प्रोसीजर कर रहे हैं तो ये हम क्यूरेट डालते हैं, ठीक है। क्यूरेट से हम लोग जितनी भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसकी क्यूरेटाज करेंगे, और जितनी भी वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स थे कंसेप्शन ये की या एंडोमेट्रियल लाइनिंग की उसको हम लोग रिमूव करेंगे।